अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द एनाटॉमी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, होल एनाटॉमी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड के क्या क्या फंक्शंस हैं? मेन जो स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन है, वो सबसे पहला जो है वो कंडक्शन है. ठीक है, वो कंडक्शन करवाता है अप द कॉर्ड एंड डाउन द कॉर्ड. अप द कॉर्ड ब्रेन को लेकर जाता है सारी की सारी इंफॉर्मेशन को, और डाउन द कॉर्ड ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेकर जाता है मोटर न्यूरॉन्स के जरिए. डाउन द कॉर्ड मींस पेरिफेरी की तरफ. ठीक है, अप द कॉर्ड में वो लेकर जाएगा सेंसरी पेरिफेरल नर्व्स से मोटर नर्व्स में, ब्रेन में. ब्रेन में क्या होगी? इंटेग्रेशन होगी, प्रोसेस चलेंगे, वो समझेगा कि ये क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है. देन वो डाउन द कॉर्ड लेकर जाएगा मोटर न्यूरॉन्स के जरिए पेरिफेरी में. देन पेरिफेरी आपके काम करना स्टार्ट कर देगी. नेक्स्ट फंक्शन जो है वो लोकोमोशन का है, के लोकोमोशन प्रोवाइड करती है स्पाइनल कॉर्ड. रिपीटेटिव कोऑर्डिनेटेड एक्शंस ऑफ सेवरल मसल ग्रुप्स इंक्लूड द सेंट्रल पैटर्न जनरेटर्स आर द पूल्स ऑफ न्यूरॉन्स प्रोवाइडिंग कंट्रोल ऑफ फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर्स. जब आप चलते हैं, वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो जो आपकी बैलेंस्ड एक लोकोमोशन है, तो वो कौन प्रोवाइड करता है? वो स्पाइनल कॉर्ड प्रोवाइड करता है. ठीक है, अनदर फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ये है कि वो रिफ्लेक्सिस को जो है वो चेक एंड बैलेंस रखता है. रिफ्लेक्सिस के ऊपर इनवॉलेंट्री स्टीरोटाइप रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई रिमूव हैंड फ्रॉम द हॉट स्टोव. मीन्स कि जो आप अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं फौरन से, विद इन अ सेकेंड, सेकेंड से भी कम टाइम में, तो वो रिफ्लेक्सिस शो होता है. ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्सिस होते हैं, ये सारे के सारे स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है. एंड देन मैं आपको बताऊंगी कि एनाटॉमी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है. सिलेंडर ऑफ नर्व टिश्यू विद इन द वर्टेब्रल कैनाल थिक एज अ फिंगर. ये एक फिंगर से, एक फिंगर जितना थिक होता है. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो सिलेंडर होता है नर्व टिश्यूज का वर्टेब्रल कैनाल में. वर्टेब्रल कैनाल जो होता है वो आपकी बैकबोन जो होती है, उसे आप वर्टेब्रल कैनाल कहते हैं. जो वर्टेब्रल कैनाल होता है वो उसके अंदर नर्व टिश्यूज होते हैं और एज थिक होते हैं एज वन फिंगर जितने वो थिक होता है. वर्टेब्रल कॉलम ग्रो फास्टर, सो इन एडल्ट द स्पाइनल कॉर्ड ओनली एक्सटेंड टू L1. द कॉर्ड गिव्स रोज टू 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर एंड सैक्रल रीजन्स ऑफ द कॉर्ड. 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं, जिसमें से ये आपके पास रीजन्स हैं. ईच कॉर्ड सेगमेंट गिव्स राइज टू अ पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स. टू इनलार्जमेंट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड की दो इनलार्जमेंट्स होती हैं. पहली है सर्वाइकल इनलार्जमेंट, जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो प्रोवाइड करते अपने नर्व्स देता है अपर एक्सट्रीमिटी को, मींस अबव द वेस्ट. वेस्ट के ऊपर आपके जितना भी फंक्शन काम कर रहा है वो सर्वाइकल इनलार्जमेंट के थ्रू काम हो रहा है. और वेस्ट के नीचे जितनी भी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हैं, पेल्विक एरिया, सारे के सारे जो हैं वो आपके पास जो नर्व्स हैं वो लंबर इनलार्जमेंट में काम कर रहे हैं. ठीक है, अप द वेस्ट के जो ऊपर आपके जितने भी नर्व्स काम कर रहे हैं वो सर्वाइकल इनलार्जमेंट से कर रहे हैं, और लोअर एक्सट्रीमिटीज में लंबर इनलार्जमेंट से कर रहे हैं. देन एनाटॉमी है, 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं, जिसमें से ये हैं सर्वाइकल नर्व C1 से C8 होंगी. ठीक है, थोरेसिक T1 टू T12 होगा, और लंबर जो होगा वो L1 टू L5 होगा. देन जिस तरह मैंने आपको पहले भी पढ़ाया कि ब्रेन में मेनिंजीज होती हैं. ठीक है, मेनिंजीज होती हैं ब्रेन में, उसमें भी तीन लेयर्स होती हैं. जो सबसे पहली लेयर होती है वो ड्यूरा मैटर होती है, बाहर की तरफ जो लेयर होगी वो ड्यूरा मैटर होगी. जो दरमियान में होगी वो एरेकिनॉइड मैटर होगा, और जो अंदर की तरफ होगी लाइक इंटरनल ऑर्गन्स के साथ जो जुड़ी होगी वो पिया मैटर होता है. ठीक है, तो इसी तरह ब्रेन में भी होता है और स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है. तो स्पाइनल कॉर्ड में जो हम पढ़ रहे हैं ड्यूरा मैटर, वो एक टफ कॉलेजिनस मेम्ब्रेन है, एक बहुत ही टफ और कॉलेजिन से बनी हुई मेम्ब्रेन है, जो कि एपिड्यूरल स्पेस को इर्द गिर्द से घेरे हुए है. और उसके अंदर क्या है? फैट है और ब्लड वेसल्स हैं, दो चीज़ें हैं. ठीक है, फैट से और ब्लड वेसल से बनी होती है, क्योंकि जब हम चाइल्ड बर्थ के दौरान एपिड्यूरल एनेस्थीजिया देते हैं तो हम ड्यूरा मैटर में देते हैं. ठीक है, ड्यूरा मैटर को हम एनेस्थीसाइज करते हैं, एनेस्थीजिया प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उसमें फैट होता है. और आपको पता है कि फैट में एनेस्थीजिया के एब्जॉर्ब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स और फैट की वजह से वो सारा का सारा एब्जॉर्ब होकर फ़ौरन से वो एनेस्थीजिया प्रोवाइड कर देता है. तो हम ड्यूरा मैटर में चाइल्ड बर्थ के दौरान जो है वो एनेस्थीजिया देते हैं. देन है एरेकिनॉइड मैटर. एरेकिनॉइड मैटर क्या है? लेयर ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम लाइनिंग ड्यूरा मैटर एंड लूज मैश ऑफ फाइबर्स फिल्ड विद CSF. सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है, जो आपके पास सच ब्रेन में जाता है और ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, तो वो एरेकिनॉइड मैटर से जाता है. ठीक है, जितना भी आपके पास CSF होता है
आपने याद रखना है कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का जो लास्ट पॉइंट होता है जो लेटरल वेंट्रिकुलर फोरामेन से निकलता है ब्रेन के, थर्ड वेंट्रिकल में जाता है, फोर्थ में जाता है, देन आपके पास सब एरेक्नॉइड मैटर में जाता है, और सब एरेक्नॉइड मैटर जो है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है CSF को और दोबारा से ब्रेन में ले भेजता है। ठीक है, तो एरेक्नॉइड मैटर का जो फंक्शन है वो है CSF के साथ जुड़ा हुआ है। नंबर थर्ड जो है वो आपके पास पिया मैटर है। पिया मैटर क्या है? पिया मैटर एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो अंदर की तरफ मेम्ब्रेन होगी वो पिया मैटर होती है, ठीक है, मींस अंदर की तरफ जो मैटर होगा वो पिया मैटर होता है, और वो क्या है, लिगामेंट से बना हुआ होता है। जो ड्यूरा मैटर है वो कॉलेजन से बना है, एरेक्नॉइड जो है उस वो रिलेटेड है CSF फ्लूइड के साथ, और पिया मैटर रिलेटेड है लिगामेंट्स के साथ। तो ये तीनों चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। ये मेनिन्जीज हैं, वर्टिब्रा एंड स्पाइनल कॉर्ड की ये मेनिन्जीज हैं, ये मैंने आपको दिए शो करवाई हैं। अच्छा, जब आपके पास कुछ मेनिन्जीज में या कुछ मींस वर्टिब्रल कॉलम में कोई एबनॉर्मेलिटी आती है तो क्या डिजीज होती है? बेबीज में आपने कभी देखा हो कि स्पाइनल कॉर्ड की जो है वो स्वेलिंग्स हो जाती है, वो बाहर की तरफ स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, जो उसमें लिगामेंट्स हैं, कॉलेजिन है, वो सारी की सारी बाहर की तरफ बन के एक मैश फाइबर सा बना देता है, तो उससे उस डिजीज को हम कहते हैं स्पाइना बीफिडा। स्पाइना बीफिडा जो है वो 1000 बेबीज में से एक बेबी को लाजमी होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि जब वर्टिब्रल आर्क नहीं बन रही होती, जो लास्ट में आपके पास वर्टिब्रल आर्क बनती है तो वो नहीं बन रही होती, तो वो क्या होती है, वो एक कवरिंग सा बना देता है जिसको हम कहते हैं स्पाइना बीफिडा। ये किसकी वजह से होता है? ये डेफिशिएंसी की वजह से होता है, फोलिक एसिड और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से बेबीज को स्पाइनल बीफिडा हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो भी प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं वो अपनी डाइट का ख्याल रखें, वरना तो बच्चों को ऐसी एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं। देन क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल एरिया ऑफ ग्रे मैटर शेप लाइक अ बटरफ्लाई एंड सराउंडेड बाय वाइट मैटर इन 3 कॉलम्स। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड की शेप है अंदर से जब हम उसे देखेंगे, क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी देखेंगे, तो वो स्पाइनल वो बटरफ्लाई की तरह शो होती है। ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर, जैसे हमने ब्रेन में पढ़ा था कि ग्रे मैटर होता है वाइट मैटर होता है, तो ग्रे मैटर जो होता है इसमें वो नॉन माइलिनेटेड होता है या फिर बहुत ही कम माइलिनेशन उसके अंदर होती है। और वो क्या करता है, किस काम आता है, जब ब्रेन में इंफॉर्मेशन लेकर जाता है पेरिफ्री से सेंसरी नर्व्स, तो ब्रेन में इंटेग्रेशन होती है, तो जो इंटेग्रेशन होती है ब्रेन में कि वो समझता है कि ये चीज़ अच्छी है आपके लिए या बुरी है वो चीज़, तो वो ग्रे मैटर करवाता है, ठीक है, वो नॉन माइलिनेटेड होती है। लेकिन वाइट मैटर क्या करवाता है, वाइट मैटर जो है वो माइलिनेटेड एग्जॉन्स बनाता है, ठीक है, मींस माइलिनेटेड होता है, और ये कैरी करता है सिग्नल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द CNS टू अनदर। ब्रेन के अंदर ही एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जो इंफॉर्मेशन भेजनी होती है, जो सिग्नल्स, जो स्टिमुलाय भेजना होता है, वो वाइट मैटर करवाता है, ठीक है, जो इंटेग्रेशन करवा रहा है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करा रहा है, वो ग्रे मैटर है, वो नॉन माइलिनेटेड है। और वाइट मैटर क्या है, वो एक पार्ट से लाइक थैलेमस से हाइपोथैलेमस में लेकर जा रहा है सिग्नल, वो वाइट मैटर है और वो माइलिनेटेड होता है। देन ग्रे मैटर, द ग्रे मैटर लुक्स लाइक अ बटरफ्लाई और एच शेप, कंसिस्ट ऑफ डॉर्सल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न, ग्रे कमिशियर, सेंट्रल किनार एंड लेटरल हॉर्न। हम एक वन बाय वन पढ़ेंगे। डॉर्सल हॉर्न क्या करता है, वे सेंसरी नर्व फाइबर से इंफॉर्मेशन लेता है और डॉर्सल हॉर्न की तरफ लेकर जाता है। वेंट्रल हॉर्न क्या करता है, सोमैटिक मोटर न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन लेता है और स्केलेटल मसल्स की तरफ लेकर जाता है। जो लेटरल हॉर्न है वो क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन ले, उसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, साइनेप्टिक नर्वस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स होते हैं, और वो वेंट्रल रूट से बाहर निकल जाता है। तो ये आपके पास ग्रे मैटर की कुछ पार्ट्स हैं। वाइट मैटर का क्या पार्ट है, वाइट मैटर जो होती है वो बंडल्स ऑफ माइलिनेटेड एग्जॉन्स है। वाइट मैटर का क्या फंक्शन है कि वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में सिग्नल लेकर जाती है, ठीक है, तो ये क्या करती है कि माइलिनेटेड एग्जॉन्स हैं और जिसमें बहुत सारे कम्युनिकेशन फाइबर्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट को लेकर जा रही है, तो स्पाइनल कॉर्ड में भी इसी तरह कर रही है कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ये सिग्नल्स लेकर जा रही है। इसके 3 pairs ऑफ कॉलम है, कॉलम्स को आप फ्यूनिक्यूलाई भी कहते हैं, ठीक है, जो कॉलम्स होते हैं आप उसे फ्यूनिक्यूलाई भी कहते हैं। अगर पेपर में आ जाए कि कॉलम्स, स्पाइनल कॉर्ड के कॉलम्स को क्या कहा जाता है, तो आपको बताना होगा कि उसे हम फ्यूनिक्यूलाई भी कहते हैं। अब ईच कॉलम जो है वो फिल्ड होता है विथ नेम ट्रैक्स ऑफ फेसिक्यूलाई फाइबर्स विद अ सिमिलर ओरिजिन डेस्टिनेशन एंड फंक्शन। अब आपको मैं बताऊंगी कि स्पाइनल ट्रैक्स क्या होते हैं, ठीक है, आपके पास 2 तरह के स्पाइनल ट्रैक्स होते हैं, असेंडिंग ट्रैक एंड डिसेंडिंग ट्रैक। जो असेंडिंग है वो कैरी करता है इन्फॉर्मेशन अप द कॉर्ड,
कॉर्ड की तरफ लेकर जाता है, ठीक है, अप द कॉर्ड मीन्स कॉर्ड की तरफ लेकर जाता है, पेरीफेरी से कॉर्ड की तरफ। एंड डिसेंडिंग ट्रैक क्या करता है, डाउन द कॉर्ड लेकर जाता है, ठीक है, ब्रेन इंफॉर्मेशन लेता है स्पाइनल कॉर्ड से एंड पेरीफेरी की तरफ लेकर जाता है। पेरीफेरी से जो लेकर जा रहा है वो असेंडिंग है, और जो पेरी की तरफ लेकर जा रहा है वो पेरीफेरी की तरफ लेकर जा रहा है वो डिसेंडिंग ट्रैक है। दिस ट्रैक अंडर को डिकर्सेशन क्रॉस ओवर एज दे पास अप और डाउन द कॉर्ड व्हेन, अच्छा, जब जो आपके पास ओरिजिन है और डेस्टिनेशन है, लाइक ब्रेन आपके पास ओरिजिन है इंफॉर्मेशन की, और ब्रेन ने इंफॉर्मेशन लेके जाना है मसल्स को, ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को हम कहेंगे कॉन्ट्रालेटरल, ठीक है, ब्रेन को लेकर जाना है मसल्स की तरफ तो उसे हम कहेंगे कॉन्ट्रालेटरल, लेकिन जब ओरिजिन और डेस्टिनेशन सेम होगा, लाइक ब्रेन से इंफॉर्मेशन उठानी है और ब्रेन में ही लेकर जानी है तो उसे हम कहेंगे इप्सीलेटरल। ये बात याद रखनी है कि ऑपोजिट साइड्स पे जब लेके जाएंगे उसे हम कॉन्ट्रालेटरल कहते हैं, कॉन्ट्रा का मतलब यही होता है ऑपोजिट, ठीक है, और जब सेम साइड पर लेकर जाना होता है तो हम उसे इप्सीलेटरल कहते हैं, इप्सीलेटरल मीन्स ऑन सेम साइड। अब वन बाय वन हम पढ़ते हैं असेंडिंग ट्रैक क्या होता है। असेंडिंग ट्रैक कैरी करता है इन्फॉर्मेशन अप द कॉर्ड में, ये तीन न्यूरॉन्स के जरिए सिग्नल्स लेकर जाता है टू दियर डेस्टिनेशन इन द ब्रेन। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन क्या करता है, वो स्टिमुलाई को डिटेक्ट करता है और ट्रांसमिट करता है स्टिमुलस को कॉर्ड में या ब्रेन स्टेम में, ठीक है। सबसे पहले ये करेगा, ये स्टिमुलस उठाएगा, लाइक अगर आपने हाथ रखा है हीट के ऊपर तो ये स्टिमुलाई है, जो हीट है वो आपके पास स्टिमुलस है, तो वो स्टिमुलस जो उठाता है वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन उठाता है, ठीक है। वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो स्टिमुलस लेगा मसल से मींस हैंड से और वो लेकर जाएगा स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। फिर सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड से लेकर जाएगा इन्फॉर्मेशन को थैलेमस में, और थैलेमस क्या करेगा, वो पूरे के पूरे ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में फैला देगा इन्फॉर्मेशन कि ये आग है और इससे हमें बचना है, तो आप क्या करेंगे अपना हैंड जो है बैक की तरफ ले आएंगे, पीछे हटा देंगे। तो इस तरह की असेंडिंग ट्रैक की 33 ऑर्डर न्यूरॉन्स जो है वो काम करती हैं। अब है डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड में दो चीज़ें होती हैं, ग्रेशियस फेसिकुलस एंड क्यूनेट फेसिकुलस। लेटरल में है डॉर्सल स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक एंड वेंट्रल स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक। एंड वेंट्रल में है स्पाइनोथैलेमिक एंड स्पाइनो। अब ग्रेसिलस फेसिकुलस क्या काम करती है, ग्रेसिलस फेसिकुलस जो है वो इन्फॉर्मेशन लेती है मिड थोरैसिक के लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से, मींस लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से इन्फॉर्मेशन लेगी। फर्स्ट ऑर्डर क्या करेगी, फाइबर्स ट्रैवल करेंगे इप्सीलेटरल साइड ऑफ द स्पाइन टू द मींस सेम साइड पे जो है वो इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। सेकेंड ऑर्डर क्या करेगी कि वो ग्रेसिलस न्यूक्लियस में लेकर जाएगी, एंड थर्ड ऑर्डर जो है वो थैलमस में लेकर जाएगी, एंड देन वो आपको इन्फॉर्मेशन जो है प्रोसेस करने का तरीका बता देगी। ये सिग्नल्स ये हमें कैरी करती है सिग्नल्स फॉर वाइब्रेशन के लिए, विसरल पेन, इंटरनल बॉडी पेन्स के लिए। विसरल का मतलब होता है इंटरनल बॉडी, ठीक है, आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है उसे आप विसरा कहते हैं। टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन। क्यूनेट फेसिकुलस क्या होता है, कैरी इन्फॉर्म सिग्नल्स फ्रॉम अपर लिम्ब एंड चेस्ट। चेस्ट और अपर लिम्ब से जो इन्फॉर्मेशन लेती है वो क्यूनेट फेसिकुलस है, और ग्रेसिलस जो थी वो लोअर लिम्ब से लेती थी। कि इसमें भी तीन ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं और ये भी सेम फंक्शन शो करता है लाइक ग्रेसियस फेसिकुलस की तरफ। देन है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो है वो पेन, प्रेशर, टेम्परेचर, लाइट टच, टिकल, इचिंग और इन सबको जो है वो रिस्पॉन्ड करता है और इन सबको फील करता है, ठीक है। इसमें भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में दो तरह के ट्रैक्स होते हैं, एक एंटीरियर होता है, एक लेटरल होता है, ठीक है। जो इंटीरियर होता है उसमें एंटीरियर फ्यूनिकुलस होता है और लेटरल में लेटरल फेनिकुलस होता है। एंटीरियर में ऑल कॉर्ड लेवल, सारे के सारे कॉर्ड में इंफॉर्मेशन लेकर जाती है ये, और लेटरल में भी ऑल कॉर्ड लेवल पे लेकर जाती है। जो एंटीरियर है वो कॉन्ट्रालेटरल फाइबर्स है उसके अंदर, और पोस्टीरियर में भी कॉन्ट्रालेटरल है, लेकिन एक डिफरेंस है कि जो आपके पास कॉन्ट्रालेटरल फाइबर है वो ग्रेजुअली काम कर रहा है, लाइक ग्रेजुअली आहिस्ते 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 वो काम पे लगा हुआ है एंटीरियर में, लेकिन लेटरल में क्या है, एब्रप्टली फ़ौरन काम करता है छोड़ देता है, फ़ौरन काम कर देता है छोड़ देता है। अब इनका फंक्शन क्या है, फंक्शन ये है कि लाइट टच रिसेप्शन एंड इचिंग में काम करता है, ठीक है। एंटीरियर का काम है कि वो टच को और इचिंग को रिस्पॉन्ड करे, जबकि जो लेटरल है उसका काम ये है कि वो पेन को और थर्मल सेंसरी इनपुट के ऊपर काम करता है। देन है स्पाइनो रेटिकुलर ट्रैक। स्पाइनो रेटिकुलर ट्रैक कैरीज पेन सिग्नल रिजल्टिंग फ्रॉम द टिश्यू इंजरी फ्रॉम ऑल कॉर्ड लेवल। स्पाइनो सेरेब्रल पाथवे क्या करता है, कैरी प्रोस्पियोसेप्टिव सिग्नल फ्रॉम लिम्स एंड ट्रंक टू द सेरेबेलम। लिम्स से लाइक लेग्स से
और ट्रंक से लेकर जाता है इन्फॉर्मेशन टू सेरिबेलम में। फिर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं मसल्स में और टेंडॉन्स में एंड एंड इन डोर्सल हॉर्न ऑफ कॉर्ड। जो स्पाइनो सेरिब्रल पाथवे है उसमें फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो ओरिजिनेट होते हैं मसल से, सेकेंड ऑर्डर जो होते हैं वो स्पाइनो सेरिब्रल ट्रैक से लेकर जाते हैं और सेरिबेलर में एंड होते हैं, जबकि इसमें थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन नहीं पाया जाता। स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक में भी दो आपके पास ट्रैक्स हैं, एक एंटीरियर है एक पोस्टीरियर है। एंटीरियर जो है वो मोस्ट फाइबर क्रॉस इन कॉर्ड, वो कॉर्ड में क्रॉस करते हैं, कॉर्ड को क्रॉस करते हैं, लेकिन पोस्टीरियर इप्सिलेटरल होता है ऑन द सेम साइड। लाइक अगर कॉर्ड से शुरू हो रहा है तो वो कॉर्ड पे ही ख़त्म होगा, और अगर नहीं शुरू हो रहा कहीं ब्रेन से शुरू हो रहा है तो वो ब्रेन पे ही ख़त्म होगा। मीन्स के ओरिजिन और डेस्टिनेशन सेम हो, जब ओरिजिन और डेस्टिनेशन सेम हो तो हम उसे इप्सिलेटरल कहते हैं। देन जो आपके पास इंटीरियर है उसमें फाइबर टर्मिनेट होता है सेरिबेलम सुपीरियर पेडंकल में, जबकि पोस्टीरियर में फाइबर टर्मिनेट होंगे सेरिबेलम इन्फीरियर पेडंकल में। तो ये इनके कुछ वो हैं। एक और भी इनके डिफरेंस है कि प्रोप्रियोसेप्टिव फंक्शन डीलिंग मेनली विद द मूवमेंट ऑफ एंटायर लिम्ब इन्वॉल्व, जब सारे के सारे लिम्ब्स इन्वॉल्व होंगे तो वो एंटीरियर होगा, लेकिन जब फाइन मूवमेंट जस्ट एक लिम्ब इन्वॉल्व होगा तो वो पोस्टीरियर होगा। देन है डिसेंडिंग ट्रैक। डिसेंडिंग क्या था, डाउन द कॉर्ड कैरी मोटर सिग्नल्स, मोटर सिग्नल्स जहाँ भी है आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन से हमेशा मोटर सिग्नल्स निकलते हैं, और जो पेरिफ्री हमारी बॉडी होती है उसमें से सेंसरी सिग्नल्स निकलते हैं। इसमें दो न्यूरॉन्स होते हैं, एक होता है अपर मोटर न्यूरॉन, एक होता है लोअर मोटर न्यूरॉन। जो अपर है उसमें सेल बॉडी जो है वो लोकेटेड होती है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में या ब्रेन स्टेम में, जबकि लोअर में होती है कि वो बॉडी तो सेल बॉडी तो अपर में होती है और जितनी भी एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स हैं वो लोअर मोटर न्यूरॉन्स में होती हैं। डिसेंडिंग ट्रैक चार तरह की होती है, एक होता है कॉर्टिको स्पाइनल, टेक्टोस्पाइनल, रेटिकुलोस्पाइनल एंड वेस्टिब्यूलोस्पाइनल। जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक है वो क्या करता है, वो कैरी करता है सिग्नल फ्रॉम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, और फिर क्या करता है लिम्ब मूवमेंट्स में इन्वॉल्व है। मीन्स कि जो लेग्स की मूवमेंट है, हैंड्स की मूवमेंट है, ये आर्म्स की मूवमेंट्स हैं, लेग्स की मूवमेंट्स हैं, तो ये कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक जो है वो करवाता है। टेक्टोस्पाइनल ट्रैक क्या करता है, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कहीं पे आवाज़ सुनते हैं, ठीक है, कहीं पर आवाज़ सुनते हैं तो आपका जो हेड होता है वो टर्न करता है, तो वो रिफ्लेक्स शो करता है, ठीक है। जब आपका हेड टर्न करता है आवाज़ से या लाइट से या अंधेरा और एकदम से लाइट ऑन, तो आपका हेड टर्न करेगा कि लाइट कहाँ से ऑन हुई, या कहीं से कोई आवाज़ आती है तो आपका हेड टर्न करता है। तो जो ये रिफ्लेक्सेस देते हैं ये टेक्टोस्पाइनल ट्रैक देते हैं। द डिसेंडिंग मोटर ट्रैक मीन्स स्पाइनल कॉर्ड में आपके सिग्नल जाते हैं तभी आपका हेड टर्न होता है, तो ये रिफ्लेक्सेस देते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ये बात याद रखनी है। देन रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक क्या करता है, ये आई मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है और लिम्ब मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। पोस्चर और बैलेंस, जो आपकी बैलेंस से आप चलते हैं, आपकी गेट मूवमेंट होती है, लाइक आपके चलन की मूवमेंट होती है, तो वो सबके सब जो है वो डिसेंडिंग ट्रैक में रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक जो है वो इसे बैलेंस करता है, ठीक है। जो आपके पास एनाल्जेसिक पाथवे है जो कि पेन को कम करता है, पेन रिड्यूस करता है ब्रेन में, तो वो ब्रेन से ही सिग्नल जाते हैं ना कि पेन को रिड्यूस करना है, तो वो भी जो है वो रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक में इन्वॉल्व होता है। वेस्टिब्यूलोस्पाइनल ट्रैक जो है वो क्या करता है, वो इनर ईयर सिग्नल्स लेकर जाता है कि आप फॉल ना करें। फॉर एग्जांपल जब आपको मोशन सिकनेस होती है, आप किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं, तो आपके जो आई का बैलेंस है, आई का जो फ्लूइड है वो एबनॉर्मल हो जाता है, वो हिल जाता है, जिसकी वजह से आपकी चाल आपकी ठीक नहीं रहती, मीन्स आपकी मूवमेंट में एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, आप गिर जाते हैं। तो ये सारी की सारी जो है वो वेस्टिब्यूलर ट्रैक जो है वो संभालता है। अगर आपके पास स्पाइनल कॉर्ड में कोई मसला हो तो क्या क्या डिजीजेज होंगी, पहली है कि पोलियो होगा, ठीक है। पोलियो में क्या होता है, आपकी जो मोटर न्यूरॉन्स होती हैं ब्रेन स्टेम में वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, और वो दोबारा से नहीं बन सकती। जो मोटर न्यूरॉन्स होती हैं ब्रेन स्टेम में वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और स्पाइनल कॉर्ड के वेंट्रल हॉर्न जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को पैरालिसिस हो जाती है, मसल्स वीक हो जाते हैं और रिस्पायरेटरी अरेस्ट होता है। पोलियो में जस्ट जो वायरस होता है वो क्या करता है, वो मोटर न्यूरॉन्स ब्रेन स्टेम में उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ALS एक और डिजीज है जिसका नाम है अमायोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है कि जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं वो ग्लूटामेट की रीअब्सॉर्प्शन नहीं कर सकते। आपके पास जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, जो न्यूरोग्लाया सेल्स होते हैं ब्रेन के, वो आपके पास स्पाइनल कॉर्ड में भी होते हैं, वो ग्लूटामेट को अब्सॉर्ब नहीं कर सकते, जिसकी वजह से मसल्स वीक हो जाते हैं एंड पैरालिसिस। देन एनाटॉमी ऑफ नर्व। नर्व की एनाटॉमी क्या है, नर्व खुद क्या है, नर्व क्या है, वो बंडल ऑफ फाइबर्स हैं जो कि कनेक्टिव
कनेक्टिव टिश्यू से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसमें आपके पास कुछ कवरिंग्स आ जाती हैं। पहली कवरिंग है एपिनीरियम। एपिनीरियम कवर करता है नर्व्स को, पेरिनीरियम जो है वो कवर करता है फेसिकुलस को, और इंडोनीरियम कवर करता है नर्व फाइबर्स को। ये तीन इसके फंक्शंस हैं। जो क्लासिफिकेशन है नर्व फाइबर्स की, पहली है एफरेंट, एफरेंट फाइबर जो ए से आता है, ठीक है। एफरेंट का मतलब होता है कि वो सेंसरी सिग्नल्स को कैरी करता है फ्रॉम रिसेप्टर टू द सीएनएस। ब्रेन से जो है वो इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा, जो भी ब्रेन से इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा आप उसे कहेंगे कि वो एफरेंट फाइबर्स हैं, ठीक है। ब्रेन से कैरी करेगा तो वो एफरेंट फाइबर्स हैं, और अगर वो कैरी करेगा पेरिफ्री से और लेकर जाएगा सीएनएस में, ठीक है, सॉरी, जो एफरेंट होगा वो पेरिफ्री से लेगा और वो सीएनएस में लेकर जाएगा, ठीक है। और जो इफरेंट है वो लेगा आपके पास सीएनएस से और लेकर जाएगा पेरिफ्री में, बॉडी की तरफ। सोमैटिक क्या करता है, वो स्किन में इन्वॉल्व है, स्केलेटल मसल्स में, बोन्स एंड जॉइंट्स में। विसरल कहाँ है, ब्लड वेसल्स, ग्लैंड्स एंड विसरा में। जनरल फाइबर्स कहाँ इन्वॉल्व है, मसल्स, स्किन, ग्लैंड्स, विसरा एंड ब्लड वेसल्स में। स्पेशल फाइबर्स इन्वॉल्व है हेड, इंक्लूडिंग आई, ईयर, ऑल्फैक्टरी टेस्ट रिसेप्टर्स एटसेट्रा। Then he anatomy of ganglia in the peripheral nervous system. Dorsal root ganglion composed of sensory cell bodies, which is the unipolar cells. The spinal nerves. 31 pairs of spinal nerves, first cervical above C1. Spinal nerves 8 cervical होती हैं. 31 pairs में जो 8 होती हैं वो cervical होती हैं. 12 thoracic होती हैं. 5 lumbar होती हैं. 5 sacral and 1 coccygeal होती हैं. सारी की सारी मिला के 31 pairs of spinal nerves बन जाती हैं. दो ब्रांचेस होती हैं, एक प्रॉक्सिमल एक डिस्टल। जो प्रॉक्सिमल ब्रांच होती है वो क्या होती है, उसमें दो पॉइंट्स होते हैं, डॉर्सल एंड वेंट्रल। पर डिस्टल है उसमें तीन पॉइंट्स हैं, एक है डॉर्सल रेमस, एक है वेंट्रल रेमस, एक है मेनेंजियल ब्रांच। जो डॉर्सल रेमस है वो क्या करती है, सप्लाई डॉर्सल बॉडी मसल एंड जॉइंट्स इन दैट रीजन ऑफ द स्पाइन एंड द स्किन ऑफ द बैक। बैक की स्किन पर ये लेकर जाती है, ठीक है। देन वेंट्रल रेमस क्या करती है, सप्लाई वेंट्रल एंड लेटरल स्किन एंड मसल्स ऑफ द ट्रंक and nerves to the limbs, and meningeal क्या करती है, re-enters the vertebral canal, re-innervating the meninges, vertebra and spinal ligaments. अगर इन सारी चीज़ों में कोई abnormality आती है तो आपको क्या हो जाता है, shingles हो जाते हैं। shingles क्या होती हैं, जिसमें skin eruptions होती हैं, varicella zoster virus की वजह से होता है, और ये पूरी की पूरी आपकी lifetime जो है ये varicella zoster virus आपकी spinal cord में रुकते हैं। लेकिन जब आपका immune system weak हो जाता है 50 साल की उम्र में या 50 से ऊपर साल की उम्र में, तो ये फिर डोमिनेट हो जाते हैं और शिंगल कॉज करते हैं। शिंगल की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सर्वाइकल ब्रैकियल प्लेक्सिस लंबर प्लेक्सिस हैं, ये सैक्रल एंड कॉक्सिजियल प्लेक्सिस हैं। क्यूटेनियस इनर्वेशन एंड डर्मेटोसोम्स क्या होते हैं, ईच स्पाइनल नर्व रिसीव सेंसरी इनपुट फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्किन कॉल्ड डर्मेटोसोम। हर स्पाइनल नर्व जो है वो सेंसरी इनपुट लेती है किसी स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्किन से, जिसको हम डर्मेटोसोम कहते हैं। Overlap at edges by 50%. A total loss of sensation requires anesthesia of 3 successive spinal nerves. Then है nature of somatic reflexes. Nature क्या है somatic reflexes का? वो है quick, involuntary, stereotype reactions of the glands or muscle to sensory stimulation. चार तरह की reflexes होती हैं। एक होनी चाहिए requires stimulation. Stimulation ही नहीं होगा तो reflex कैसे होगा? Not spontaneous but respond to outside stimuli. Quick होनी चाहिए. Involve few interneurons at minimal synaptic delay. Involuntary होनी चाहिए, occur without intent, often without our awareness. Stereotyped होनी चाहिए, occur the same way every time, predictable. Nature क्या है somatic reflexes का? Reflexes include glandular secretion and contractions of all three types of muscle. Employ reflex arc. Somatic receptors in somatic reflexes receptors कहाँ होते हैं? Skin में, muscles में and tendon में. Efferent होते हैं, carry information to dorsal horn. Integrating center synapses between neurons in gray matter determines whether the efferent neuron issues the signal. Efferent जो है वो है carry motor impulses to the skeletal muscles and skeletal लेता है somatic effectors that carry out the somatic reflexes. क्या होते हैं stretch receptors, जो आपके पास stretch receptors होते हैं उसको हम क्या कहते हैं muscle spindles, जो कि skeletal muscles के अंदर होते हैं, ठीक है। जो stretch receptors होते हैं वो आप
के पास स्केलेटल मसल्स में होते हैं और हम उसे कहते हैं मसल स्पिंडल। मसल स्पिंडल क्या होता है, ये बहुत सारे एबंडेंट होते हैं मसल्स के अंदर और ये फाइन कंट्रोल करते हैं मसल की मूवमेंट को। ये क्या होते हैं, ये हर एंड ऑफ द मसल्स में होते हैं। लाइक आप जब रन करते हैं, आप अपने आप को मूव करते हैं, तो ये सारे के सारे स्ट्रेच होते हैं, ठीक है। इसमें 3 से 12 मॉडिफाइड मसल फाइबर्स होते हैं जो कि ब्लेंड होते हैं इंडो मीजियम ऑफ द मसल में, ठीक है। 3 से 12 मॉडिफाइड मसल फाइबर्स होते हैं जो कि ब्लेंड हो जाते हैं इंडोमीजियम ऑफ द मसल में। मसल फाइबर्स जो होते हैं विद इन द स्पाइनल स्पिंडल आर कॉल्ड इंट्राफ्यूजल फाइबर्स, और मसल फाइबर्स स्पाइनल स्पिंडल में उसे हम इंट्राफ्यूजल स्पाइनल कहते हैं। मैं सोमैटिक रिफ्लेक्सेस आपको बता रही थी कि सोमैटिक रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो मॉनिटर करते हैं मूवमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। और अगर ये नहीं होगा तो आपके पास मसल टोन बराबर नहीं रहेगी, पोस्चर बराबर नहीं रहेगा, आपकी मूवमेंट एबनॉर्मलिटीज आएंगी। फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ मसल स्पिंडल्स, 3 principal क्लासेस हैं नर्व फाइबर्स की, बल्कि 4 प्राइमरी एफरेंट फाइबर, सेकेंडरी एफरेंट, गैमा मोटर एंड अल्फा मोटर न्यूरॉन। 3 principal क्लासेस हैं। 1 प्राइमरी एफरेंट फाइबर, लार्ज फास्ट नर्व फाइबर, वेरी सेंसिटिव टू स्मॉल चेंजेस इन मसल लेंथ एंड सडन बॉडी मूवमेंट। नंबर 2 है सेकेंडरी एफरेंट फाइबर, जो कि इंटरमीडिएट साइज फाइबर्स होते हैं विद स्लोअर कंडक्शन स्पीड देन द प्राइमरी एफरेंट। These fibers involved primary efferent fiber है, जो primary efferent fiber है वो large है, fast nerve fiber है, बहुत तेज काम करता है और sensitive है small changes, कोई भी छोटी मोटी changes आ जाती हैं जब muscle की length में या muscle stretch होते हैं तो वो सबसे पहले sensitive होते हैं, वो sense कर लेते हैं और फ़ौरन सडन बॉडी मूवमेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं। कि सडन बॉडी मूवमेंट्स जब होती हैं तो वो प्राइमरी एफरेंट फाइबर इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंडरी क्या होते हैं, सेकेंडरी की जो स्पीड है वो स्लो होती है, स्लो कंडक्शन स्पीड है देन प्राइमरी से। ये फाइबर्स क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं ब्रेन को कि मसल की लेंथ में कुछ मसला आ रहा है या बढ़ रही है या कम हो रही है, ठीक है। ये ब्रेन को इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म करते हैं। देन गैमा मोटर न्यूरॉन से ये स्टिमुलेट करते हैं शॉर्टनिंग ऑफ द इंट्राफ्यूजल फाइबर्स, दिस इन्फ्लुएंसिंग द सेंसरी न्यूरॉन्स मेक देम लाइकली टू फायर। दीज एडजस्ट द सेंसिटिविटी ऑफ द मसल स्पिंडल। फंडामेंटल एक्शन ऑफ मसल स्पिंडल्स। मसल स्पिंडल्स क्या होते हैं, व्हेन अ मसल इज एट रेस्ट, जब मसल एट रेस्ट होता है तो वो रिलैक्स होता है और स्ट्रेच्ड होता है, ठीक है। द मसल स्पिंडल जो होते हैं वो खुद ही स्ट्रेच हो रहे होते हैं। जब आप एज अ रेस्ट पोजीशन पे होते हैं, रेस्टिंग पोजीशन पे, तो जो मसल के स्पिंडल होते हैं वो खुद बहुत स्ट्रेच हो रहे होते हैं और सेंसरी नर्व्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन लेकर जा रही होती है ब्रेन को के मसल्स जो हैं वो स्ट्रेच हो रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं कि टोनिक रिस्पॉन्स है ये। जब मसल कंट्रैक्ट करता है तो स्पिंडल्स जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, ठीक है। जब मसल कंट्रैक्ट करता है तो स्पिंडल्स छोटे हो जाते हैं और एक्सेसिव फायरिंग शो करते हैं, इसको हम कहते हैं फेजिक रिस्पॉन्स। और जो प्राइमरी फाइबर्स होते हैं वो फायरिंग करते हैं, अपनी फायर को रोक लेते हैं, ठीक है, और कंट्रैक्ट करते हैं और स्टेबल होते हैं। जो प्राइमरी होते हैं वो अपने फाइबर्स फायरिंग को रिज्यूम करते हैं व्हेन द मसल इज फुली कंट्रैक्टेड एंड स्टेबल। बोथ फाइबर्स इन्फॉर्म द ब्रेन ऑफ द लेंथ ऑफ द मसल, बट द प्राइमरी इन्फॉर्मेशन इट ऑफ हाउ फास्ट द मसल लेंथ इज चेंजिंग। द स्ट्रेच रिफ्लेक्स, अब स्ट्रेच रिफ्लेक्स क्या होता है, व्हेन अ मसल इज स्ट्रेच इट कंट्रैक्ट्स एंड मेंटेन इंक्रीज टोनस। जब मसल स्ट्रेच होता है तो ये कंट्रैक्ट कर जाता है और इसका जो टोन है वो बढ़ जाता है। हेल्प्स मेंटेन इक्विलिब्रियम पोस्चर, पोस्चर को ठीक करने के लिए काम होता है। हेड स्टार्ट्स टू टिप फॉरवर्ड एज यू फॉल एस्लीप, जब आप सो जाते हैं तो आपका जो हेड है वो भी आप पिल्लो पे रखकर सो जाते हैं। तो ये जो होता है वो मसल स्ट्रेच नहीं हो रहा होता, तो इस वजह से आप ऐसे कर सकते हैं, वरना आप सारी रात आपने अपना मसल कंट्रैक्शन की वजह से आपका हेड जो है वो रेज ही रहेगा, आप सो नहीं सकेंगे अगर आपके मसल्स में कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए। नंबर 2 है कि स्टेबलाइज करता है जॉइंट्स में बैलेंसिंग टेंशन इन एक्सटेंसर्स एंड फ्लेक्सर, स्मूथिंग मसल एक्शंस। इट इज़ वेरी सडन मसल स्ट्रेच कॉज टेंडन रिफ्लेक्स, विच इज द नी जर्क रिफ्लेक्स, इज मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। बता रही थी कि नंबर 1 ये होगा कि एक्सटेंसर मसल स्ट्रेच करेगा, 2 ये होगा कि मसल स्पिंडल स्टिमुलेट हो जाएगा, जो अंदर मसल स्पिंडल है वो स्टिमुलेट हो जाएगा जिसकी वजह से प्राइमरी एफरेंट न्यूरॉन एक्साइट हो जाएगा। देन प्राइमरी एफरेंट न्यूरॉन जो है वो स्टिमुलेट करेगा अल्फा मोटर न्यूरॉन को, एक्सटेंसर मसल की तरफ लेकर जाएगा, देख रहे हैं आप लोग। देन क्या होगा, जो अल्फा मोटर न्यूरॉन होगा वो स्टिमुलेट करेगा एक्सटेंसर मसल को कि वो कंट्रैक्ट हो जाए, तो वो क्या होगा, वो कंट्रैक्ट हो जाएगा। जब प्राइमरी एफरेंट न्यूरॉन स्टिमुलेट करेगा इनहिबिटरी इंटर न्यूरॉन को, कि वो उसे कहेगा कि आपने अब इनहिबिट होना है क्योंकि ये मसल कंट्रैक्ट कर रहा है, तो इंटर न्यूरॉन इनहिबिट होगा अल्फा मोटर न्यूरॉन से टू फ्लेक्सर मसल में,
फ्लेक्सर मसल जो है वो रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है, इस तरह होता है ये पैटलर टेंडन रिफ्लेक्स आर्क। फ्लेक्सर विड्रॉल रिफ्लेक्सेस अकर ड्यूरिंग अ विड्रॉल ऑफ फुट फ्रॉम पेन, पॉलीसिनैप्टिक रिफ्लेक्स आर्क एंड द न्यूरल सर्किटिविटी इन स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल सीक्वेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ मसल कंट्रैक्शंस, व्हाइल द क्रॉस एक्सटेंसर रिफ्लेक्सेस मेंटेन्स बैलेंस बाय एक्सटेंडिंग अदर लेग, इंटरसेगमेंटल रिफ्लेक्स एक्सटेंड्स अप एंड डाउन द स्पाइनल कॉर्ड एंड द कंट्रालेटरल रिफ्लेक्स आर्क एक्सप्लेन बाय पेन एट वन फुट कॉजेज मसल कंट्रैक्शन इन अदर लेग। देन द गोल्जी टेंडन रिफ्लेक्स विच द प्रोप्रियोसेप्टर्स इन द टेंडन नियर जंक्शन विद अ मसल 1 मिलीमीटर लॉन्ग and cause muscle contraction and relaxation. The disorders of spinal cord and spinal nerves are the Guillain-Barré syndrome. इस syndrome में क्या होता है? Acute demyelinating nerve disorder है. ये demyelination हो जाती है और ये viral infection की वजह से होती है, जिसके symptoms ये हैं कि muscle weak हो जाता है, heart rate ज़्यादा हो जाता है, blood pressure unstable होता है, सांस रुकती है और रिस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है। तो ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। वायरल वायरस अंदर जाके आपके स्पाइनल कॉर्ड में क्या करती है कि वो डीमाइलिनेट कर देती है नर्व फाइबर्स को, तो आपके पास डिजीज़ होती है जिसको आप कहते हैं ग्लुएन-बेयर सिंड्रोम। Another disease is plasma pharesis. ये क्या होता है? In this treatment the blood जो है वो cleansed हो जाता है damaging antibody से। एक antibody आती है वो आपके blood को damage कर देती है। फिर क्या होता है? Small thin tube called catheter is inserted into the vein of one arm. एक arm में जो है वो catheter डाला जाता है और another tube डाला जाता है आपके पास दूसरे arm या foot में। फिर ब्लड जो है वो लिया जाता है वन ट्यूब में और भेजा जाता है अनदर ट्यूब में, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड है उसे साफ कर रहे होते हैं। अनदर इज द इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन कंटेन्स हेल्दी एंटीबॉडीज फ्रॉम ब्लड डोनर। हाई डोजेज ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन आर इंजेक्टेड इनटू द पेशेंट थ्रू एन आईवी लाइन टू ब्लॉक द डैमेजिंग एंटीबॉडी इन द ब्लड दैट मे कंट्रीब्यूट टू जीबीएस, ग्लुएन-बेयर सिंड्रोम ना हो। तो इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन हम दिया जाता है। ग्लुएन-बेयर सिंड्रोम को बचाने के लिए हमें दो ट्रीटमेंट्स दी जाती हैं, ठीक है। दो ट्रीटमेंट से नंबर वन है प्लाज्मा फेरेसिस और दूसरी है इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन। दो चीज़ों की वजह से जो है वो ग्लुएन-बेयर सिंड्रोम से हम बच सकते हैं। एक ये कि हम सारे के सारे ब्लड को क्लीन कर दें या फिर हम ऐसी एंटीबॉडी दें जो कि डैमेज कर दे, जो डैमेज होने से बचाए हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। डिसऑर्डर्स में एक न्यूरोग्लाया है जिसमें नर्व पेन होता है। नर्व पेन एक पैरेस्थीसियासिस है जिसमें आपके पास नमनेस हो जाती है। एक पेरिफेरल न्यूरोपैथी है जिसकी वजह से पेन स्टार्ट होता है। एक रेबीज है जो कि आपके पास किसी एनिमल्स से आपको लगती है। अ डिजीज यूजली कंट्रैक्टेड वाय एनिमल बाइट्स इन्वॉल्विंग वायरल इन्फेक्शन दैट स्प्रेड्स वाया सोमैटिक मोटर नर्व फाइबर्स टू द CNS एंड देन द ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स लीड्स टू सीजर्स, कोमा एंड डेथ, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड ट्रॉमा कैसे होता है? 10 से 12 हज़ार लोगों में लोग क्या होते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं। 55% होता है ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में और दिस डैमेज पोजेज रिस्क ऑफ रिस्पिरेटरी फेलियर एंड स्पाइनल शॉक, टिश्यू डैमेज एट टाइम ऑफ इंजरीज फॉलोड बाय पोस्ट ट्रॉमेटिक इन्फेक्शन। तो इसे हम स्पाइनल कॉर्ड ट्रॉमा कहते हैं। थैंक यू।